बलिया जनपद के रसड़ा तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार एवं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने अधिकारियों को चेताया कि यदि समस्याओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आए 182 मामले में 12 का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी के सकारात्मक आश्वासन पर वकीलों का धरना समाप्त होने की उम्मीदें बढ़ चली हैं। रसड़ा क्षेत्र के पुरा मनियार तिवारीपुर निवासी स्वामीनाथ तिवारी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने दबंगों पर चकमार्ग व नाली पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने रसड़ा ब्लॉक पर कार्यरत महिला लेखपाल और उसके परिजनों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे घर से सटे हुए चकमार्ग और नाली पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रसड़ा बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपना एक परिचय बताएं। हमारा स्वामीनाथ तिवारी नाम है, बाप का नाम स्वर्गीय सूरज तिवारी, पूरा मनियार तिवारी गांव है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि चकमार्ग चकनाली जो है 46/47 है, पूरा मनियार तिवारी में पड़ता है, जो देखिए हमारे घर के समक्ष में है, जो राजस्व टीम कुछ देर पहले आगे विक्रेता जो फ्रंट पर है वो नाप करके दिया गया है, लेकिन वो जो है उधर अतिक्रमण कर लिए हैं सीमेंटेड खम्भा गाड़ करके। कौन अतिक्रमण कौन किया? ये ज्योति सिंह रानी, ज्योति रानी लेखपाल हैं, कार्यरत हैं तहसील लसड़ा में, सिसवार के हैं। तो वो और उनके परिवार, उनके मर्द और उनके भसुर कुल आकर के लोग जबरदस्ती गुंडाई से जो है लिस्ट ये सीमेंटेड खम्भा गाड़ दिए हैं। हाँ जी, डीएम साहब को आज मैं तहसील दिवस पर दिया हूँ प्रार्थना पर, और जो है पूर्व में 18/11/2024 को दिया गया था, जो लेखपाल महोदय जो है क्षेत्र के गोल गोल रिपोर्ट लगा करके निस्तारण कर दिए, उनका कहीं जिक्र नहीं किए हैं कब्जा का, आदि सीमेंटेज खमा गाड़ा गया है, अतिक्रमण किया गया है कि नहीं। आगे देख लीजिए, यही चक रोड है और देख लीजिए कहाँ खमा गाड़े हैं। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिए, डीएम साहब सीमांकन के लिए दिए हैं, देखिए इसमें क्या होता है, करते हैं लोग नहीं करते हैं। यहाँ के अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है, आ करके हम आवेदन दिए हैं और गोल गोल लगा करके निस्तारण करा दिए तहसीलदार से, वो लेखपाल हैं कार्यरत हैं इसलिए उनको बचा रहे हैं लोग। बिना नामांतरण का खरीद ली हुई हैं, जो चकरोड के उत्तर साइड में वो हैं, मैं दक्षिण साइड में हूँ, बीच में चकरोड चकनाली है 46/47 का, मौजापुरा मनियार तिवारी में ख़त्म कर दिया गया है इनके द्वारा, सीमेंटेड जो है खम्भा गाड़ करके ख़त्म कर दिया गया है। हम अब अनशन पर बैठेंगे, इस सत्ता में कोई काम नहीं हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बार बार हम देते रहे दरखास्त, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए कि सार्वजनिक जमीन पर जो है, जनहित जमीन पर जो है इतना अवैध अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, मैं प्रशासनिक को जना रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों को